शिराज साहब, बताइए इस वक्त इस पूरे एक्सपो में जिस तरीके से लोग जुग दर जुग आ रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किपड़ा स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि देखिए, लोगों को ऑलरेडी पता भी है कि एचआरएल के बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, तो उनका यकीन है इसके ऊपर। इस वक्त बहुत से लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं और किपड़ा स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी के स्टॉल पे, जहाँ पे स्टेट एक्सपर्ट भी है, पाकी सुसीड भी है, इस डॉट भी है, यहाँ पे मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी वजह है कि लोग सारे किपड़ा स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में इंटरेस्ट दिखा? ये गोल्डन टाइम है जहाँ लोग, बाकी प्रोजेक्ट जो इस वक्त डाउन है, ये प्रोजेक्ट वाहिद है जो इस वक्त भी ओन के अंदर मौजूद है और प्रॉफिट के अंदर बिक रहा है। अस्सलाम वालेकुम, स्टेट एक्सपर्ट की जानिब से एक दफा फिर मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हूं। इस वक्त हमारे सामने शिराज साहब मौजूद हैं, पाक एसोसिएट्स के सीईओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शिराज साहब, बताइए इस वक्त इस पूरे एक्सपो में जिस तरीके से लोग जुग दर जुग आ रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किपड़ा स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में, क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि देखिए, लोगों को ऑलरेडी पता भी है कि एचआरएल के बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, तो उनका यकीन है इसके ऊपर। ऊपर से जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी, उन्होंने जिस तरह 3 साल का कमिटमेंट करके एक साल में जितनी डिलीवरी दे दी और अभी उन्होंने बैलेटिंग भी कर दी है विद इन 1.5 ईयर्स और साथ पोजेशन भी अनाउंस कर दी है अपने ओवरसीज प्राइम ब्लॉक का, तो लोगों को यकीन है कि और डिलीवर करेंगे और उसी तरह से काम करें, उसी लिए लोग आ रहे हैं, आके उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हम लोग उसको प्राउडली प्रेजेंट करें लोगों के सामने। हम लोग को भी ऑनर फील हो रहा है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इट्स अ प्राउड मोमेंट सर। इस वक्त बहुत से लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं और किपड़ा स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी के स्टॉल पे, जहाँ पे स्टेट एक्सपर्ट भी है, पाकी सुसीड भी है, इस डॉट भी है, यहाँ पे मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी वजह है कि लोग सारे किपड़ा स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? वजह जैसे कि मैंने बताया कि इनके प्रोजेक्ट्स रेनोन्ड है, लोगों को पता है किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं ताकि इनको जो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है या मिस इन्फॉर्मेशन लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसको जो है कन्फर्म करने के लिए और नई चीज़ लेने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे अगर आप देखें कि मोस्टली लोग जो यहाँ पे इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं, और हम लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी लोअर स्मार्ट सिटी में बेचने के लिए नहीं, हम लोग एग्जैक्ट इस वक्त बाइंग कर रहे हैं। Exactly. हम लोग इसमें देखने का, हम लोग को भी नजर इसमें, इसलिए लोग और ज्यादा इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोग बेचने के बजाय खरीद रहे होते हैं। एग्जैक्टली और यहाँ पे हमारे व्यूवर्स का भी ये सवाल है कि जिस तरीके से कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से लोग कहते थे कि इंटरचेंज नहीं बनेगा, रास्ता नहीं मिलेगा मोटर वे से डायरेक्ट, तो लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से भी बात की जा रही है कि एक्सेस रोड कब, उनको कब रिंग रोड से या मोटर वे से रास्ता मिलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे हमारे व्यूवर्स? हाँ, इसका सिंपल सा जवाब ये है, आप एक इनका कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोजेक्ट है, लोग कह रहे थे कि इम्पॉसिबल बात है कि इस तरह एक प्रोजेक्ट को सेपरेट एंटिटी को इंटरचेंज दिया जाए, ठीक है, इस तरह अप्रूव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह इन्होंने अप्रूवल करवाया है और इन्होंने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर भी विद इन 50 डेज इन्होंने NOC लिया है, तो लोग इनके ऊपर यकीन दिखा रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने इंटरचेंज इस्लामाबाद में लिया है इसी तरह इनको NOC अप्रूव हो गया है रिंग रोड से डायरेक्ट अप्रोच का, तो इंशाल्लाह जैसे ही काम शुरू होगा लोगों को और कंफर्म हो जाएगा ये चीज और उनका ट्रस्ट और डेवलप होगा, इस तरह लोग और से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और इस वक्त भी जो है गोल्डन टाइम है जहाँ लोग, बाकी प्रोजेक्ट जो इस वक्त डाउन है, ये प्रोजेक्ट वाहिद है जो इस वक्त भी ओन के अंदर मौजूद है और प्रॉफिट के अंदर बिक रहा है, तो इसी तरह ये और बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्केट और ग्रो होगी तो लोगों को और इसमें प्रॉफिट गेन होगा इंशाल्लाह। ये तो हमारे पास शिराज साहब पाक एसोसिएट की जानिब से उसकी CEO हैं और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है, जिस वक्त सारे सोसाइटीज के जो रेट्स हैं वो नीचे गए हैं और लॉस पे जा रहे हैं, लेकिन किपड़ा स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त भी उनके प्रोजेक्ट जो है वो ऑन पे चल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच सर। वेलकम।